1 मई से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगाया जाना है, जिसे लेकर इंदौर में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर सांसद और कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम व अन्य विभागों के साथ बैठक की। देखिए यह खास रिपोर्ट। 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर सांसद शंकर लालवानी, कलेक्टर मनीष सिंह ने रेसिडेंसी कोठे में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कई विषयों पर चर्चा की गई है, वहीं अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सांसद शंकर लालवानी के मुताबिक 1 मई से 18 वर्ष के अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है। शहरी क्षेत्र में नगर निगम और ग्रामीण में CEO, जिला पंचायत और टीम इस काम में लगेगी। शहर के बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वैक्सीन लोगों ने लगवाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार घोषणा की है कि आने वाले 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को टीकाकरण वैक्सीनेशन प्रारंभ किया जा रहा है, और उसी के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की कि हम प्रदेश में सभी युवाओं को निःशुल्क टीकाकरण वैक्सीनेशन कराएंगे। आज उसकी प्रारंभिक जो बैठक है, जो वैक्सीनेशन की तैयारी को लेके हमारे सभी अधिकारियों ने जो ब्लूप्रिंट बनाया उसको लेके चर्चा हुई। अभी जो शहरी क्षेत्र में जो इसमें काम में मदद करेंगे वो नगर निगम, ऐसा जिला प्रशासन ने तय किया है, और ग्रामीण क्षेत्र में CEO, जिला पंचायत और उसकी पूरी टीम लगी रहेगी। 120 के आसपास जो केंद्र हैं वो लगभग 125 के आसपास केंद्र ग्रामीण में रहेंगे, और लगभग 250 से ज़्यादा केंद्र शहरी क्षेत्र में रहेंगे। 28 अप्रैल से ये रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से टीकाकरण किसको कहां पर जाना है उसकी शुरुआत हो जाएगी। मैं आपके माध्यम से हमारे पूरे युवाओं को निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बीमारी का एक ही हल है, वो है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन। मुझे इस बात का बहुत ताज्जुब हुआ जब हमने आंकड़े देखे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 84% लोगों ने वैक्सीनेशन लगा दिया, और उल्टा शहरी क्षेत्र में लगभग 50-52% लोगों ने ही टीकाकरण करा। अगर शहरी क्षेत्र में भी ज़्यादा टीकाकरण वैक्सीनेशन होता, जिस प्रकार हमने टीका उत्सव प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की, सरकार ने पूरी व्यवस्था की थी, एक टीका उत्सव आयोजित भी किया था और पूरे शहर में एक वातावरण बना था, सब सुविधा होने के बाद भी लोगों ने वैक्सीनेशन जिस तादाद में होना चाहिए था नहीं करा पाए। ये सर्वे में भी हमारे सबकी जानकारी में आया है कि जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया है उनको इस बीमारी का असर न के बराबर हुआ है। तो मुझे लगता है ये एक चूक हमसे हुई है, आगे ना हो इसके लिए सभी से निवेदन है कि लगभग जो 18 साल के ऊपर हैं, लगभग इंदौर में 17 लाख के आसपास हमें ऐसा लगता है कि जनसंख्या है जिनको वैक्सीनेशन की आवश्यकता है, ग्रामीण और शहर मिला के, उसमें अधिकांश शहरी क्षेत्र के लोग हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो 1 तारीख से वैक्सीनेशन का शुरुआत हो रही है उसमें हम सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसमें प्रशासनिक स्तर पर, वार्ड स्तर पर इसकी कार्य योजना बना रहे हैं, और सामाजिक संगठन, सभी राजनीतिक संगठनों से हम निवेदन करेंगे इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करें। सांसद शंकर लालवानी की माने तो वैक्सीन ड्राइव कैसे होगा इसे लेकर चर्चा की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन को लेकर ज्यादा रुझान दिखा है, शहर में लोग वैक्सीन लगवाते हैं तो शायद इतनी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज नहीं आते। नहीं, देखो हमारी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से आपने देखा होगा उस समय तो 400 से ज़्यादा केंद्र बन गए थे शहरी और ग्रामीण मिला के, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सेंटर अगर बने तो हमारे इंदौर में बने, और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने रुचि ली, जबकि हमको ऐसा लग रहा था शहरी क्षेत्र में लोग रुचि ज़्यादा लेंगे, पर क्यों नहीं हुआ इसकी हम जानकारी निकालेंगे। पर ये हम सब के लिए, देखो ये कंपलसरी नहीं है, ये मोटिव है, पर हमको अब लगाना चाहिए। अगर शहरी क्षेत्र में भी ये सब लोग लगा लेते तो मुझे नहीं लगता कि इतनी संख्या में जिस प्रकार से मरीज आ रहे होते आ पाते, लेकिन अब समय आया है, सबके लिए वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है, मुझे लगता है सबको वैक्सीनेशन लगाना चाहिए।
इधर कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर समीक्षा की गई है। सरकारी अस्पतालों पर ज्यादा फोकस रहेगा। शहर में वैक्सीनेशन के लिए 250 निशुल्क केंद्र बनाए जाएंगे। इसके साथ ही कलेक्टर ने वैक्सीनेशन को लेकर कई जरूरी जानकारी भी दी। आज माननीय सांसद जी द्वारा एक जो 1 तारीख से वैक्सीनेशन का एक बृहद कार्यक्रम शुरू होना है, इसकी पूरी एक समीक्षा की गई है और इसमें ग्रामीण क्षेत्र को एक यूनिट के रूप में हम लोग ले रहे हैं। जितने ग्रामीण क्षेत्र में छोटी नगर पंचायतें हैं वो ग्रामीण क्षेत्र है, दूसरा नगर निगम इंदौर सीमा क्षेत्र है इसको शहरी यूनिट के रूप में ले रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 125 हमारे केंद्र रहेंगे जिसमें कि 115 से 20 सरकारी रहेंगे और शहरी क्षेत्र में जैसा माननीय सांसद जी ने बताया 250 करीब रहेंगे केंद्र जो सरकारी रहेंगे और 80 निजी अस्पताल भी रहेंगे जो केंद्र रूप में रहेंगे। दो तरह की व्यवस्थाएं गवर्नमेंट ने की है इस बार। एक प्राइवेट अस्पतालों में सीधे अस्पताल वाले प्रोक्योर करेंगे वैक्सीन को और वो अपनी दर पे टीकाकरण करेंगे जिनको करवाना है। फॉर एग्जांपल कोवैक्सीन का जो दर आई है लगभग 1200 रुपये आई है, उस पर अपना सर्विस चार्ज लगा के अस्पताल अपने दे सकेंगे, किंतु जो सरकारी वाले केंद्र सब रहेंगे वो निःशुल्क रहेंगे। वो इसलिए सरकारी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, निःशुल्क टीकाकरण अधिक से अधिक कराना है हम लोगों को। तो शहर में ऐसे लगभग 250 से अधिक निःशुल्क केंद्र रहेंगे और हर वार्ड में 3 केंद्र बनाए जा रहे हैं और ऐसी व्यवस्था रहेगी कि उन 3 केंद्रों को हम लोग उसी वार्ड में शिफ्ट कर सकें। जो टीम रहेंगी, जो दल रहेंगे, उसी वार्ड में अलग अलग स्थानों पे हम लोग उसको सेशन साइट बना सकें, शिफ्ट कर सकें, ये व्यवस्था भी कर रहे हैं। उसमें नगर निगम की ओर से हर वार्ड में वार्ड प्रभारी रहेगा, उसके पास 3 दल रहेंगे और जनप्रतिनिधियों के साथ भी इसमें एक बैठक हम लोग की होगी। माननीय सांसद जी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं उसको। जनप्रतिनिधियों की तरफ से भी अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा 18 साल से ऊपर का, 45 से ऊपर के जितने बच गए हैं और 18 साल से ऊपर के जितने युवा और हैं 45 तक के, उनको सबको हम लोग मोटिवेट करेंगे दोनों तरफ से, चाहे वो जनप्रतिनिधियों की तरफ से मोटिवेशन होगा और हमारे सरकारी तंत्र के माध्यम से भी घर घर जाकर उनसे अनुरोध करेंगे कि कराएँ टीकाकरण। और इसी प्रकार से गाँव में भी रहेगा, गाँव में भी हम लोग सेशन साइट हर गाँव में शिफ्ट करेंगे उसको। जो हमारी लगभग 150 अगर वहाँ साइट रहती हैं गाँव में, उसमें भी शिफ्टिंग हम लोग करेंगे कि गांव-गांव जा करके करें और वहां 2 दिन पहले से ही सरपंच और पंचायत सचिव और जीआरएस उस एरिए में लोगों संपर्क करेंगे। 2 दिन तक उनका पूरा एक संपर्क अभियान चलेगा कि जब टीका का दल आए यहां पर तो 100% 18 वर्ष से ऊपर के लोग सभी अपने टीकाकरण करा लें। इस प्रकार से प्रयास है हम लोगों को कि अधिक से अधिक संख्या में हम लोग टीकाकरण कराएँ। देखा जाए तो 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन को लेकर इंदौर में तैयारियां शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।